मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 7 और ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है आपकी ज्योग्राफी। यहाँ के बाद इस चैप्टर के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो इस चैप्टर में, ये चैप्टर है ज्योग्राफी का 7 चैप्टर, इसका नाम है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइन यानी कि नेशनल इकोनॉमी के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है या किन किन चीज़ों से नेशनल इकोनॉमी होती है या बढ़ती है, वो चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो डेवलपमेंट है कंट्री की, वो डिपेंड करती है कि इसका प्रोडक्शन, इसके गुड्स और इसके सर्विस जो हैं वो कैसे, इनकी मूवमेंट क्या है, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती हैं। ऐसे ही एफिशिएंट, इसका एफिशिएंट मीन्स देखें कि ट्रांसपोर्ट जो है, अगर इसका एफिशिएंट मीन देखें हम, तो इसका पूरी तरह से डिपेंड करता है ये ट्रांसपोर्टेशन पे, कि ट्रांसपोर्टेशन जैसा होगा वैसे ही डेवलपमेंट वहाँ का होगा। मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स और सर्विस आर 3 इंपॉर्टेंट डोमिनेंस। 3 तरीक़ों से इन ये जो गुड्स और सर्विस का जो मूवमेंट होता है वो 3 तरीक़ों से होता है, या तो लैंड के द्वारा, या वाटर के द्वारा, या फिर एयर के द्वारा। और इसी बेसिस पे, इन्हीं 3 बेसिस पे इसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, लैंड, वाटर और एयर ट्रांसपोर्टेशन। अब अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इन्हीं ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाता है। वर्ल्ड के एक दूसरे देशों को, मतलब छोटे छोटे देशों को, छोटे छोटे विलेजेस को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने के लिए इन्हीं ट्रांसपोर्ट का, इन्हीं फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाता है। ट्रांसपोर्ट जो है एबल टू अचीव हेल्प ऑफ इक्वल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम, और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी ये जो है वो डेवलप करता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड आर कम्प्लीटली ईच अदर। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड और कम्युनिकेशन, ये जो चीज़ें हैं ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में वेल लिंक्डेड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड डिस्पाइट वास्ट साइज, डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक सोशल कल्चर प्लुरलिटी। टुडे इंडिया जो है इंडिया में डाइवर्सिटी होने के साथ साथ भी हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इन्हीं चीज़ों की, इन्हीं फास्ट डेवलपमेंट ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हम जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट हैं। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सोशियो इकोनॉमी को प्रोग्रेस करने में हेल्पफुल होती है। यानी कि सोशियो इकोनॉमी को अगर आपने बढ़ाना है, अगर सोशियो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें जो है ये इसके एक कारण के रूप में, वेस के रूप में काम करती हैं। ट्रेड जैसे ट्रेडिंग होती है, व्यापार होता है, लोकल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे इन्हीं चीज़ों को यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारी लाइफ में भी, लाइफ को कंफर्ट करने के लिए, लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए भी इन चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये तो था बच्चों बेसिक इंट्रोडक्शन कि लाइफलाइन जो है हमारी, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी वो क्या है। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रोडवेज, ठीक है। रोडवेज क्या है? इंडिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क, यानी कि इंडिया में जो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क है रोडवेज का, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क कहाँ है, इंडिया में है। करीब 2.3 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट, यानी कि आज की डेट में 2.3 मिलियन किलोमीटर सड़कें जो हैं वो इंडिया में हैं। इंडियाज रोडवेज हैव प्रेसिडेड रेलवेज। उसके बाद इम्पॉर्टेंस जो रोड ट्रांसपोर्टेशन की इम्पॉर्टेंट जो है वो कुछ फॉलोइंग रीजन से हम इसकी इम्पॉर्टेंस को देख सकते हैं। कैसे? सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मच लोअर, यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इसको बनाने में जो पैसा लगता है वो बहुत कम होता है। रोडवेज जो है कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनड्यूलिंग टॉपोग्राफी, यानी कि जो रोडवेज है वो ऐसे ऐसी जगह भी पहुंच सकती है जहां पे जाना मुश्किल होता है। इसके अलावा रोड जो है वो हायर ग्रेडियंट पे, यानी कि हायर लेवल पे, उसके बाद स्लोप्स पे, उसके बाद पहाड़ों पे, माउंटेन्स पे भी रोड्स जो है वो आसानी से बन सकती है, जैसे कि हिमालयाज में।
इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो इकोनॉमिकली इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन इन रिलेटिव स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि छोटी डिस्टेंस के लिए, कम लोगों के लिए, कम सामान के लिए भी रोडवेज का आसानी से यूज किया जा सकता है। इसके अलावा रोड जो है वो डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद इस यहाँ जो लोडिंग कॉस्ट है वो भी बहुत कम है। रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अगर वो और भी दूसरे ट्रांसपोर्टेशन को भी ऐड कर सकती है, जैसे कि वाटरवेज है, रेलवेज है, तो रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, तो वहाँ तक जाने के लिए भी हम इसी रोडवेज का यूज़ करते हैं। अब अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया में 6 तरह की रोडें हैं। इंडिया की जो रोडवेज है उसको 6 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोडवेज, दूसरा है नेशनल हाईवे, तीसरा है स्टेट रोड, चौथा है डिस्ट्रिक्ट रोड, पांचवा है अदर रोड्स और छठा है बॉर्डर रोड्स। ये 6 कैटेगरी जो है वो आप स्लाइड्स में देख सकते हो और ये बच्चों आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब फर्स्ट देखते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। फर्स्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरी सुपर हाईवे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरी सुपर हाईवे जो है इसको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। गवर्नमेंट ने इसके तहत जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से मुंबई और दिल्ली से 6 लेन की सुपर हाईवे जो है वो बनाई गई है इस क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे के तहत। इसमें जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जिसमें श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जोड़ा गया है। वहीं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में जो सिलचर आसाम है उसको पोरबंदर गुजरात से जोड़ा गया है। और बहुत सारे ऐसे ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट में आने वाले, इसके अंतर्गत और बीच में आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट इसका पार्ट है। इस प्रोजेक्ट का, इस गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि दीज सुपर हाईवेज रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। जो इंडिया की मेगा सिटीज है वहां तक पहुंचने के लिए टाइम और डिस्टेंस दोनों को कम करना। इसके बाद इस हाईवे प्रोजेक्ट को बनाने का काम जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया है। नेशनल हाईवे एनएचएआई जो है वो इसको बनाती है। दूसरा है बच्चों नेशनल हाईवे। देखो ये तो हो गया क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, अब है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे जो है वो एक्सट्रीम पार्ट ऑफ इंडिया कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट में ये होती है। ये जो है प्राइमरी रोड सिस्टम एंड रिलेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल वर्क्स डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी जो है वो इसको बनाता है। इसमें क्या है, मेजर नेशनल हाईवे रन इन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बहुत सारे मेजर हाईवेज हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल, जैसे कि आप देखो शेरशाह सूरी मार्ग जो है वो हिस्टोरिकल मार्ग है, या इसको नेशनल हाईवे में नंबर 1 हाईवे का कह सकते हैं, जो कि दिल्ली से लेके अमृतसर है। देखो नेशनल हाईवे का मतलब यह है कि जो पूरे देश को कनेक्ट करता है, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करता है, उसको कहते हैं नेशनल हाईवे। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स को और तीसरे स्टेट को भी कनेक्ट करता है, उसको कहते हैं नेशनल हाईवे। आप अगले स्लाइड में देखो, मैप में देख सकते हो शेरशाह सूरी मार्ग जो कि नेशनल हाईवे नंबर 1 है। आप देखते हो कहीं कहीं जाते हो तो रोड के साइड में लिखा होता है NH नंबर लिखा होता है, तो वो नेशनल हाईवे है और उस नेशनल हाईवे का वो नंबर है। जो नेशनल हाईवे 1 नंबर है वो है हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी के नाम पे रखा गया है, और शेरशाह सूरी मार्ग है जो कि दिल्ली से लेके अमृतसर तक जुड़ा हुआ है। देखो आप स्लाइड्स में देख रहे होंगे। अब नेक्स्ट हाईवे है स्टेट हाईवे। आप देखो स्टेट हाईवे पढ़ते हैं, जो रोड्स लिंक होती है स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर नोन एज स्टेट हाईवे। जो रोड जो है वो एक ही स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है उसको कहते हैं स्टेट हाईवे। जैसे ये रोड्स जो है ये कंस्ट्रक्टेड और मेंटेन होती है स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा। जैसे कि देखो हमारा देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, अब देहरादून डिस्ट्रिक्ट की सड़कें जो हैं, जो सड़कें देहरादून डिस्ट्रिक्ट को हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से या उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट से या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ऐड करती है, उन सड़कों को हम कहते हैं स्टेट हाईवे। अब नेक्स्ट है बच्चों डिस्ट्रिक्ट हाईवे। देखो दीज रोड कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद द अदर प्लेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सेम डिस्ट्रिक्ट में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिन रोड्स का यूज किया जाता है या जो रोड्स होती है उनको कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट रोड। ये रोड मेंटेन बाय जिला परिषद को द्वारा ये रोड्स मेंटेन
की जाती हैं। इसके अलावा जो अदर्स रोड होती है, अदर रोड्स होती हैं, वो देखो बच्चों कौन सी होती हैं, रूरल रोड्स, गांव की सड़कें। गांव की सड़कें जो होती हैं वो रूरल एरिया को या विलेज को कनेक्ट करती हैं शहरों से, टाउन से, उनको हम कहते हैं रूरल रोड्स। ये वो इन कैटेगरी में, वो रोड्स इन कैटेगरी में आती है। अब ये रोड्स जो है, ये रोड्स बनाई जाती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, ये रोड्स जो है वो बनाई जाती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक स्कीम है जिसके तहत ये सड़कें बनाई जाती हैं। और इस स्कीम में क्या होता है, इस स्कीम में जो है वो एक गांव के प्रोविजन आर मेड सो दैट एवरी विलेज इज द कंट्री इज लिंक्ड टू अ मेजर टाउन। इस योजना के तहत जो हर एक गांव है उसको शहर से, उसके पास के शहर से जोड़ा गया है, ताकि गांव से शहर जाने के लिए कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये थी बच्चों अदर रोड। अदर रोड में कौन सी आ गई, रूरल रोड। अब आगे है बॉर्डर्स रोड, एक लास्ट बच गया रोड्स में, वो है बॉर्डर्स रोड। बॉर्डर रोड क्या होता है, देखो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो इसको बनाती है, वो इसको कंस्ट्रक्ट करती है और वही इसको मेंटेन करती है। इन और ये जो है ये बॉर्डर एरिया को कवर करती है, जो हमारे कंट्री के जो बॉर्डर एरियाज हैं उनको ये कवर करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1960 में। और ये जो है ये रोड को ये नॉर्थ एंड ईस्ट बॉर्डर, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के एरिया को जो है वो ये रोड्स, अब जैसे देख रहे होगे आप चीन के साथ हमारा विवाद चल रहा है, ठीक है, कहाँ पे है चल रहा है, चीन के साथ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में चल रहा है। तो वहाँ की जो सड़कें हैं, वहाँ की सड़कें जो देख रहे हो आप न्यूज़ में सुनते होगे कि वहाँ की सड़कें जो है बहुत जल्दी जल्दी बन रही हैं, तो वो सड़कें जो हैं वो सड़कें कौन बनाता है, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, और उन सड़कों को बॉर्डर रोड्स कहते हैं, जो कि हमारे बॉर्डर एरिया को कवर करती हैं। अब ये रोड्स जो हैं, ये देखो रोड, अब ये तो हो गई हमारी 6 टाइप की रोड्स जो अभी आपने पढ़ी, कौन कौन सी, फर्स्ट थी गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे, दूसरी थी नेशनल हाईवे, तीसरी थी स्टेट हाईवे, चौथी थी डिस्ट्रिक्ट हाईवे, पांचवी थी अदर रोड्स, और छठी थी आपकी कौन सी, छठी कौन सी थी, बॉर्डर्स रोड, ठीक है, बॉर्डर रोड जो अभी मैंने आपको पढ़ाई, 6 रोड हो गई, ठीक है। अभी मैं चुप थी तो बच्चों ने बोला नहीं है, जो बच्चे देखने वाले हैं वो तो बोल सकते थे कि बॉर्डर रोड, ठीक है ना, मैं वही जज कर रही थी कि आप कितना समझ रहे हो। तो ये तो हमारी 6 तरह की रोड्स हो गई। अब ये रोड जो है क्लासिफाई, अब इनको ये तो हमने कैटेगरी, एक कैटेगरी क्लासिफाई कर दी, अब इनको हम दूसरी क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मटेरियल, यानी कि इन रोड को बनाने में कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है, उस बेसिस पे भी हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन सच एज मेटेलिक और अनमेटेलिक, यानी कि दो तरह की रोड हो गई, मेटेलिक और अनमेटेलिक, यानी कि इन रोड को बनाने में कौन सी चीज़ यूज़ की गई है उसके बेसिस पे भी हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब देखो मेटल रोड कौन सी होती है, मेटल रोड वो होती है जो कि मेड बाय सीमेंट कॉन्क्रीट और बिटुमिनियस ऑफ कोल, इन चीज़ों से जो रोड्स बनाई जाती हैं उनको कहते हैं हम मेटलिक रोड, यानी कि मेटल से, कंक्रीट से, सीमेंट से, इन चीज़ों से। और इन रोड को ऑल वेदर रोड भी कहा जाता है, यानी कि ये रोड्स जो होती हैं ये फॉरएवर होती हैं। दूसरी होती है अनमेटल्ड रोड, अनमेटल्ड रोड जो है यूज इन द रेनी सीजन, गो आउट ऑफ यूज इन द रेनी सीजन। अनमेटल्ड रोड जो होती है वो क्या होती है, रेनी सीजन में बह जाती है, गो आउट हो जाती है, यानी कि वो ख़त्म हो जाती है। ज़्यादातर गाँव में ऐसी ही सड़कें होती हैं। तो ये तो बच्चों एक अदर क्लासिफिकेशन था। अब हम देखते हैं रोड डेंसिटी, हमारे देश में रोड डेंसिटी क्या है। देखो लेंथ ऑफ द रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड। डेंसिटी ऑफ रोड किसको कहते हैं कि 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में का की जो रोड है उसकी लेंथ कितनी है उसको कहते हैं रोड डेंसिटी।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री में जो रोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि एक जैसा नहीं है। आप देखते हो, आप लोग शहरों में जाते हो, जो बड़ी बड़ी मेगा सिटीज हैं वहाँ पे रोड्स जो हैं वो बहुत सारी हैं। अब जैसे आप दिल्ली में चले जाओ तो दिल्ली में क्या है, एक रोड नीचे से जा रही है, दूसरी रोड उसके ऊपर से जा रही है, तीसरी रोड उसके ऊपर से जा रही है, मतलब एक ही जगह तीन तीन चार चार रोड हैं, ठीक है, एलिवेटेड रोड है वहाँ पे, एक ही एक जगह ही चार चार पाँच पाँच रोड है। वहीं अगर आप उसके बगल में किसी और दूसरे शहर में चले जाओ, गाजियाबाद में चले जाओ, मुरादाबाद में चले जाओ, यहाँ पे मेरठ मुजफ्फरनगर में चले जाओ, तो यहाँ पे वैसी रोड आपको नहीं मिलेगी। आप देहरादून दिल्ली में जाओ तो आपको देखो फ्लाईओवर कितने सारे मिलेंगे, यानी कि एक फ्लाईओवर है उसके ऊपर से दूसरा फ्लाईओवर भी है। वहीं आप देहरादून में हो तो देहरादून में आपके पास फ्लाईओवर एक दो या तीन है फ्लाईओवर। तो रोड की जो डेंसिटी है वो हमारे देश में इक्वली नहीं है, कहीं पे रोड्स बहुत ज़्यादा हैं, कहीं पे रोड्स बहुत कम हैं, तो डिपेंड करता है वहाँ के पॉपुलेशन के ऊपर। उसके बाद डेंसिटी ऑफ ऑल रोड वेरी फॉर ओनली 10 किलोमीटर इन जम्मू कश्मीर टू 375 किलोमीटर इन केरला विद द नेशनल एवरेज ऑफ 75 किलोमीटर 1996 टू 97। अगर हम डेंसिटी सारे रोडों की डेंसिटी देखें तो ये जैसा कि मैंने अभी बताया ये अलग अलग है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में देखते हैं तो ये कितनी है, 375 किलोमीटर है। वहीं केरला में देखते हैं अगर हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं तो ये कितनी है, 10 किलोमीटर है। वहीं केरला में देखते हैं तो केरला में कितनी है, ये 375 किलोमीटर है। तो ये जो वेरिएशन आप देख रहे हो ये वेरिएशन, जबकि नेशनल एवरेज कितना है, 75 किलोमीटर है 1996-97 के अकॉर्डिंग। अब देखो रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया फेसेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम। आप जैसे कि आप रोड्स जो है, रोड्स वेरिएशन है हर जगह अलग अलग, इसका वो है रोड डेंसिटी है, तो रोड ट्रांसपोर्टेशन को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कीपिंग इन द व्यू वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक पैसेंजर्स द रोड नेटवर्क इज अनएडिक्वेट, यानी कि जैसे कि रोड पे जाम लग जाते हैं, रोड पे देखते हो आप ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो रोड नेटवर्क को कौन करता है, ट्रैफिक करता है। ट्रैफिक जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो नॉर्मल सी बात है एक्सीडेंट भी होगा, जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। अब जैसे कि आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली में कम डिस्टेंस में भी जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। किसी छोटे शहर में चले जाओ तो वहाँ इतना ट्रैफिक नहीं है। अब जैसे हम देहरादून को ही ले लेते हैं, देहरादून में आप घंटाघर की साइड चले जाओ या किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा डिस्टेंस पार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कहीं फिर ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे ट्रैफिक कम है तो वहाँ आप आसानी से उसको क्लियर कर सकते हो। तो ये जो ट्रैफिक जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रोड ट्रांसपोर्टेशन की। अबाउट हाफ ऑफ द रोड आर अनमेटल्ड एंड देयर लिमिट देयर यूजेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आप देखो हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में बच्चों आप देखते हो सड़कें हमेशा बनती रहती हैं, देखते हो आप कभी भी देखो सड़कें हमेशा बनती रहती हैं। क्यों बनती रहती हैं, क्योंकि जब हमारे यहाँ सड़कें बनती हैं तो ज़्यादातर सड़कें जो अनमेटल्ड बनती हैं, अनमेटल्ड कैसी होती हैं, यानी कि उसमें जो सामान लगाया जाता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया जाता है, तो वो क्या होती है, बारिश में बह जाती है। बारिश अगर आती है, जैसे हमारे देहरादून में आप देख लो, देहरादून में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो जब बारिश का टाइम होता है तो आप देखते हो बहुत सारी सड़कें जो हैं वो ख़त्म हो जाती है, बह जाती हैं। क्यों, क्योंकि वो अनमेटल्ड रोड होती हैं। नेशनल हाईवे आर इन एडिक्वेट टू, मोर ओवर द रोडवेज एंड हाईवेज कॉन्क्विस्टिंग इन सिटीज एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिजेज एंड कन्वर्ट आर ओल्ड एंड नैरो। आप देखो बहुत सारे ब्रिजेज ऐसे हैं, बहुत सारे फ्लाईओवर्स ऐसे हैं जो क्या है, ओल्ड है और नैरो है, यानी कि पुराने हो चुके हैं और थोड़े से नैरो, मतलब बहुत इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रोड नेटवर्क के सामने हैं। लेकिन इन प्रॉब्लम्स के साथ भी अगर हम देखें तो रोडवेज जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे नेशनल इकोनॉमी में। तो ये तो था बच्चों आपका रोडवेज। अब नेक्स्ट आपका हम देखते हैं रेलवेज। चलो बच्चों देखो, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है रेलवेज। ठीक है, अब रेलवेज के बारे में पढ़ते हैं हम। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर इन द इंडिया। ठीक है, ये एक
मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है पैसेंजर, इंडिया के पैसेंजर्स के लिए। उसके बाद देखो, रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टी फेरस एक्टिविटी लाइक बिजनेस, साइट सींग, पिलग्रिम्स अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यानी बड़ी दूरी के लिए। अब देखो रोड, अभी हमने पीछे पढ़ा रोडवेज, रोडवेज क्या है, हालांकि अच्छा है रोडवेज, डोर टू डोर सर्विस है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया है। उसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे जो कि एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी है, लेकिन फिर भी रोडवेज जो है वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं है। वहीं अगर हम रेलवेज को देखें तो रेलवेज पूरी तरह से लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कंफर्टेबल है। इसमें हैवी सामान, हैवी बल्की सामान गुड्स जो है वो ले जा सकते हो, बिजनेस के लिए ये अच्छा है। उसके बाद मल्टी फेरस एक्टिविटीज़ उसमें बहुत अच्छी होती हैं, साइट सींग के लिए भी, साइट सींग पिलग्रिम्स यानी कि अगर हम किसी पिलग्रिम के साथ से सामने से जा रहे हैं तो हम उसको साइड सीन जो है उसको आराम से देख भी सकते हैं। जैसे हम, जैसे पहाड़ों, आप देखते हो आप, हम लोग जब देहरादून आते हैं तो हरिद्वार से जब देहरादून आते हैं तो बीच में आपको दो सुरंग दिखती हैं, ठीक है, दो सुरंग दिखती है ना, तो दो सुरंग हमें कब दिखती हैं, जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं। हम रोड पे आएंगे तब तो नहीं हमें वो वाली सुरंग दिखेगी। इसके अलावा जब रेलवेज में हम चल रहे हैं तो क्या होता है, साइड सीन्स भी हमें दिखते रहते हैं। इसके बाद जो इंडियन रेलवे है, हैव अ नेटवर्क ऑफ 7031 स्टेशंस। जो रेलवे का नेटवर्क है वो करीब करीब 7500 स्टेशंस हैं, स्प्रेड ओवर अ रूट लेंथ ऑफ 63221, करीब करीब 115,000 किलोमीटर। ये जो है ये इसका रेलवे नेटवर्क है, विद अ फ्लीट ऑफ 7871 लोकोमोटिव्स, 5321 पैसेंजर सर्विस इन व्हीकल्स, 43518 पैसेंजर कोचेस, 4904 अदर कोचेस व्हीकल एंड 2228.170 वैगन्स ऑन 31 मार्च 2004। ये कुछ रेलवेज का बेसिक डेटा था। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैव बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। अब देखो, अब जैसे कि रोडवेज मैंने पढ़ाया था कि रोडवेज जो है वो कहीं पे भी हम बना सकते हैं, हिमालयस पे भी बना सकते हैं, लेकिन रेलवेज को ऐसी जगह पे, हिमालयस पे, स्लोप्स पे, हाई लैटिट्यूड पे अल्टीट्यूड पे, यहाँ पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे ये नहीं बन पाता है, तो इसीलिए फिजियोग्राफिक डिविज़न के तहत भी इसको बनाया जाता है। रेलवेज जो है, हैव रीच द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द हिली टेरेन ऑफ पेनासुलर इंडिया, द माउंटेन रीजन, द डेजर्ट, द स्वैम्प्स ऑफ गुजरात, द फॉरेस्ट ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, द कंटिग्यूस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्रीज। इन जगहों पे रेलवेज जो है वो बन रखे हैं, या रेलवेज के जो नेटवर्क हैं, ट्रैक्स हैं, वो बने हुए हैं। द कोंकण रेलवे हैज फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड इन द हिली टेरेन। जो कोंकण रेलवे है वो पैसेंजर्स और गुड को हिली टेरेन पे ले जाने का काम करती है। तो ये तो था बच्चों आपका रेलवे। अब देखो, आप अगली स्लाइड में मैप में आप देख सकते हो रेलवे के बारे में, रेलवे के नेटवर्क के बारे में आप इस मैप में देख सकते हो, और ये मैप आपकी बुक में भी है, आप बुक से भी इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। तो बच्चों ये तो हो गया आपका रेलवेज। अब नेक्स्ट बच्चों, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन वे है वो है पाइपलाइन, ठीक है। अब आप कहोगे पाइपलाइन कहाँ से आ गई, अभी तो वाटरवेज बचा होता, वाटरवेज इसके बाद पढ़ते हैं, पहले हम पाइपलाइन देखते हैं। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इज अ न्यू अराइवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। न्यू अराइवल यानी कि ये नया नया अराइव हुआ है हमारे इंडियन ट्रांसपोर्टेशन में। इसको यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स, फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर तक, पावर प्लांट तक इसको जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। गैसेस को, क्रूड ऑयल को, पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को, इनको जो है रिफाइनरी से लेकर के प्रोडक्शन प्लांट तक
ले जाया जाता है पाइपलाइन के द्वारा. सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन व्हेन कन्वर्ट इनटू स्लरी. अगर इसको स्लरी, अगर जो सॉलिड्स है उसको स्लरी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसको भी पाइपलाइन के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है. द फार इनलैंड लोकेशन ऑफ रिफाइनरी लाइक बरौनी, मथुरा, पानीपत गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइन. ये कुछ पाइपलाइंस हैं, ये सिर्फ इसी की वजह से पाइपलाइंस की वजह से जो है वो जाती हैं. अब देखो, थ्री इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है हमारे कंट्री में. हमारे कंट्री के प्रस्पेक्टिव से देखें तो थ्री जो है वो इम्पोर्टेंट नेटवर्क है पाइपलाइन के. सबसे पहला जो नेटवर्क है वो देखो क्या है, फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर आसाम टू कानपुर. ठीक है, अपर आसाम से लेके कानपुर तक है. इसके बीच बीच में कौन से स्टेट्स आते हैं, गुवाहाटी, बरौनी, अलाहाबाद. ठीक है, ये पाइपलाइन एक है. इट हैज़ ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया. बरौनी टू हल्दिया तक इसके ब्रांचेस है विया राजबंद इन मौरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी. ठीक है, ये इसके कुछ ब्रांचेस हैं. दूसरा जो नेटवर्क है वो है फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब. सलाया गुजरात से लेकर के जालंधर तक. और विया कहाँ कहाँ जाता है, विरमगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत. इट हैज़ ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयली नियर वडोदरा, चक्षु एंड अदर प्लेसेस. ठीक है, ये दूसरा हमारा नेटवर्क हो गया. तीसरा जो नेटवर्क है बच्चों वो है गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्टेड जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश विया विजापुर इन मध्य प्रदेश. ठीक है, विजापुर से होते हुए ये आती है. इट हैज़ ब्रांचेस टू कोटा इन राजस्थान. कोटा के राजस्थान में भी इसकी कुछ ब्रांचेज है. इसको और अच्छे से समझने के लिए आप अगली स्लाइड में इसका मैप भी देख सकते हो. इस मैप में ये सारी आपको पाइपलाइंस जो है वो दिखाई गई हैं, तो आप इससे और अच्छे से समझ सकते हो. ये पाइपलाइन का मैप भी आपकी बुक में है, आप अपनी बुक में इसको और अच्छे से देख सकते हो. ये तीनों जो नेटवर्क हैं वो इसमें मेंशन है. अब नेक्स्ट जो बच्चों है वो है आपका वाटरवेज. अब नेक्स्ट बच्चों जो आपका बचा हुआ है वो है वाटरवेज. ठीक है, अब थोड़ा सा वाटरवेज देखते हैं. सिंस टाइम मेमोरियल इंडिया वाज वन ऑफ द सीफेयर कंट्री. इट्स सीमैन सेल्ड फॉर अ नियर दस कैरिंग अ स्प्रेडिंग इंडिया कॉमर्स एंड कल्चर. वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब देखो, वाटरवेज जो है वो किस लिए यूज होता है, ट्रेडिंग के लिए. ठीक है, वाटरवेज जो है वो कैसे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जब हम सी का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, जब सी का या पानी का यूज़ करते हैं तो उसको वाटरवेज कहते हैं. अब वाटरवेज जो है वो सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है. चीपेस्ट यानी सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है. मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स. जो हैवी और बल्की गुड्स होता है उसको ले जाने के लिए ये सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है. इट इज़ फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली. देखो, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटरवेज, ये फ्यूल एफिशिएंट है, यानी कि इसमें कोई फ्यूल नहीं लगता, और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है. जैसे कि आप रेलवेज है, रेलवेज में भी फ्यूल लगता है, रोडवेज है, रोडवेज में भी मेटल वगैरह लगती है, और ये पूरी तरह से एनवायरमेंटली है. इंडिया हैज इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर इन लैंड. आउट ऑफ दीज 3,700 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड बोट्स. ठीक है, द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे वाटरवेज हैं जिनको कि नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर कर दिया गया है. जैसे कि देखो क्या है, गंगा रिवर बिटवीन अलाहाबाद एंड हल्दिया 1,620 किलोमीटर एंड डब्ल्यू नेशनल वाटरवे नंबर टू उसको कहा गया है. उसके बाद नंबर वन कहा गया है इसको. द वेस्ट कोस्ट केनाल इन केरला कोटलापुरम. आप देखो, नेशनल वाटरवे नंबर टू है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना हुआ है डुमरी वाटरवे. इसके बाद जो वेस्ट कोस्ट केनाल है केरला का, जो कि कोटलापुरम कोमान उद्योग मंडल एंड चंपूकरा केनाल में बना हुआ है 205 किलोमीटर पर, वो नेशनल वाटरवे नंबर थ्री है. इसके बाद बच्चों देखो, द अदर वैल्यूएबल इनलैंड वाटरवे इंक्लूडेड जो
और जो वैल्यूएबल इनलैंड वाटरवे है वो है गोदावरी, कृष्णा, बैरिक, सुंदरवन, बंकिंगम कैनाल, ब्रह्मणी, ईस्ट वेस्ट कैनाल एंड दामोदर वैली कॉरपोरेशन कैनाल। इस ये जो है ये कुछ अदर इनलैंड वाटरवेज जो है वो हमारे देश की है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए आप मैप में नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे मैप है मैप में आप देख सकते हो। ठीक है, मैप में आप अच्छे से ये सारे जितने भी मैंने आपको इनलैंड नेविगेशन बताए ये सारे इसमें आप अच्छे से देख सकते हो। इसके बाद मेजर सी पोर्ट्स देख लेते हैं बच्चों। इन इंडिया वी हैव 12 मेजर सी पोर्ट्स। हमारे इंडिया में 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं एंड 181 मीडियम एंड माइनर पोर्ट्स। 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं, 181 मीडियम है और कुछ जो है वो माइनर हैं। सब मेजर पोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स जो बड़े बड़े जो पोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? कांडला पोर्ट, मुंबई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता एटसेट्रा। देखो बच्चों ये मैप में जरूर आता है। ठीक है, मैप में फिल करने के लिए ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट। मुंबई जो है वो सबसे बड़ा पोर्ट है। कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम ये सब आप मैप में भी देख सकते हो और मैप के लिए ये आता भी है। इंदौर, चेन्नई, कोचीन, मंगलोर, मरमुगाओ, मुंबई, वडीनार, कांडला एक्सेट्रा, ये कुछ जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट मेजर सी पोर्ट्स थे। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा वाटरवेज। अब नेक्स्ट वे जो है वो है एयरवेज। तो बच्चों ये तो था आपका, ये हमने इस वीडियो में देखो सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा। अब थोड़ा सा हम कंक्लूजन कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने कौन कौन से वेज हैं वो पढ़े थे, उसके बाद हमने सबसे पहले रोडवेज से स्टार्ट किया था। रोडवेज के बाद रोडवेज कितने टाइप के थे? 6 टाइप के थे। गोल्डन क्वाड्रिलेटर, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, अदर रोड्स और बॉर्डर रोड्स, इनके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने रोड डेंसिटी पढ़ा, फिर हमने रेलवेज पढ़ा, रेलवेज के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पाइपलाइंस पढ़ा, पाइपलाइंस जो इम्पोर्टेंट पाइपलाइंस हैं हमारे देश की, पाइपलाइन नेटवर्क है वो पढ़ा हमने। उसके बाद हमने वाटरवेज पढ़ा, वाटरवेज में इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज पढ़ा, मेजर सी पोर्ट्स पढ़े हमने। तो इस तरीके से हमारा ये सेक्शन जो है वो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के जो बाकी के जो सेक्शन है, बाकी के जो सब टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एयरवेज है, उसके बाद एयरवेज के एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, कम्युनिकेशन है, ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आप दोबारा से वीडियो देखिए, आप अपने बुक में से जरूर मिलाइए, बुक में से पढ़िए, और आप लोग अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू बच्चों।